यार तो देख ही रहा हूँ ये मेरी नहीं है। तो आई यूज्ड टू कम विद माय बेस्ट फ्रेंड। गुड मॉर्निंग नेक्स्ट गैंग, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। और ये है दूसरा दिन है मनाली में और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45। यार मैं उठ गया, मेरे को पता नहीं नींद हो रही। होता है मेरे साथ, अगर मैं कोई नई जगह होता हूँ ना तो मेरे को एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। ये देखो दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू राइट नाउ। है ना, ऐसे अकेले मॉर्निंग वॉक पक्का लिया करो। ये देखो ये वाले स्पॉट इसलिए बोलता हूँ ना, देखो मैं हमेशा कि ये हिडिंबा देवी टेम्पल है, ठीक है। और ये वाले रास्ते में ना सारे होटल्स हैं। तो इसका मेरा मेन रीज़न क्यों है पता है, क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन में खड़े होकर अगर व्यू लोगे ना तो आपको सारे माउंटेन्स, फ्रंट एंड वाले जो माउंटेन्स हैं ना वो एक साथ दिखते हैं। तो मेरे को ये व्यू पसंद है बिकॉज हम जब आते थे तो आई यूज़ टू कम विथ माई बेस्ट फ्रेंड। तो आई स्टिल रिमेंबर हम यहीं खड़े होके ये व्यू एंजॉय करते थे। हाँ अभी तो शी इज़ नॉट इन इंडिया राइट नाउ, शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ यही है, दोस्त नहीं है तो अकेले ट्रैवल करो। चलो एक बार मंदिर घूम के आते हैं यार सुबह सुबह। क्यूट सा मिल गया मेरे को सुबह सुबह। यार मैं तो सोचता हूँ ना पता, हस्की वस्की छोड़ो, यहीं का एक कुत्ता ले जाता हूँ मैं। हेलो जो सारे बैठे हैं भाई, इनके ना हेयर्स बहुत लंबे होते हैं। हाँ एक तो कल मेरे को कुत्ता दिखा, वो पूरा हस्की वाला फील दे रहा था मेरे को। ये देखो सुबह सुबह ना, ये देखो मैं बोल रहा था ना, ये हिडिंबा देवी टेम्पल का वो रास्ता है और इसके पीछे देखो वो ना तुम्हें सनराइज़ दिखेगा। अब सुबह सुबह मैंने व्लॉगिंग का इसलिए सोचा ना, मैंने बोला देखो रश है नहीं, एकदम ना खाली मिलेगा इस टाइम, तो हल्का सा वॉक लोगे ना तो यू कैन एन्जॉय एवरी व्यू विदाउट गेटिंग इंटरप्टेड। ये देखो ज़्यादा लोग हैं नहीं और पूरा खाली है। चलो कल मैंने नहीं दिखाया था तुम्हें, आज मैं दिखाई देता हूँ तुम्हें टेम्पल, ठीक है। आ जाओ जो दिखा देता हूँ। देखो ये रास्ता है, यहाँ से भी चले जाओ कोई नहीं। तो ये वाला रास्ते पे क्या होता है, जैसे आप एंटर करते हो ना तो यहाँ पे ना याक्स वगैरह खड़े होते, तो वो कुछ हल्का सा अमाउंट लेके आपको राइड वाइड करा देते हैं। ऐसे देखो इसी पोजिशन में खड़े होते हैं याक। और यहाँ पे ना रैबिट्स लेके भी आंटियाँ खड़ी होती हैं। तो यू पे देम सम अमाउंट एंड दे विल जस्ट अलाउ यू टू यू नो कैरी देम। फिर वो ना ड्रेस वाला भी सीन होता है, वो पहाड़ी वाली ड्रेस पहन के फ़ोटो वोटो खिंचा सकते हो वहाँ पे। ये वाला स्पॉट है, थोड़ा सा और आगे चलोगे ना तो वो आगे टेम्पल है। मैं दिखा रहा हूँ तो भाइयों बहनों मतलब ये देख लो, थोड़ा सा वॉक करोगे ना तो ये सामने टेम्पल है। और ये ना एक्चुअली मेरे को लोकेशन अच्छे लगते हैं ना, क्योंकि देखो ये सारे ना पेड़ वो लंबे लंबे वाले। अभी मेरे को कुछ कहना मत, मैं नाम भूल गया इसका, श्याम आएगा पूछ के बता दूंगा। और ये सामने आपका टेम्पल है, दिस इज़ द टेम्पल। ये क्या हो गया, लाइटिंग चली गई थी यार थोड़ी। ओके ये रहा टेम्पल। मॉर्निंग में आपको सुबह सुबह ना फोटोज़ वगैरह खींचने हैं तो फोटोज़ खिंचवाने के लिए ना अच्छी जगह है। वैसे आपकी जो लाइटिंग कंडीशन है ना वो बड़ी प्यारी है, तो अगर आप बीच में खड़े होकर शॉट वगैरह लेते हो तो आपको बैकग्राउंड बड़ा अच्छा मिलता है। थोड़ा फोटोग्राफी का ज्ञान दे रहा हूँ, पता है, ठीक है हो गया यार। और ये सामने टेम्पल है, हम अभी जा नहीं रहे भाई क्योंकि फ्रेश नहीं हो रखे हैं हम। तो बाकी यहाँ पे वॉक करोगे ना सुबह सुबह, एक बार वॉक करना जेन्युइनली। अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फ्रेंड्स के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि होटल वोटल ठीक है, घूमना फिरना ठीक है, लेकिन मॉर्निंग आके ना इस रास्ते में ना एक बार घूम के देखना, यू विल एन्जॉय योर सेल्फ। ऐसे सोचो क्या करना है लाइफ में, क्या करना है, क्योंकि यू नो एवरी पॉइंट ऑफ द टाइम फ्रेंड्स हैं, पीपल आर देयर, दे आर गोना गो ऑन देयर ओन लाइफ एंड बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू डू बिकॉज लाइफ इज़ वेरी रश। सबको कॉलेज जाना पड़ता है, पीपल लीव, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू शुड स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स एंड यू शुड स्टार्ट एनालाइजिंग योर सेल्फ दैट वॉट एग्जैक्टली यू नीड टू डू। एंड ट्रैवल का भी एक मेन रीज़न यही था, सेल्फ एनालिसिस, ठीक है, कि वॉट इज़ गोइंग ऑन राइट, वॉट इज़ गोइंग ऑन रॉन्ग, वॉट इज़ नीडेड टू बी फिक्स। ऑब्वियसली यू कांट फिक्स एवरीथिंग, बट द थिंग इज मेमोरीज होती हैं, दे स्टिल गेट स्टक्ड, ठीक है। अब ऐसे मत बोलना सुबह सुबह इतनी इमोशनल बातें क्यों कर रहा हूँ मैं, आराम से बताऊँगा, कभी लंबी कहानी बताऊँगा ज़रूर। लेकिन घूमो, दिस इज़ अ नाइस प्लेस। गया मैं बिस्किट लेकर आऊँगा तेरे को, टेंशन मत ले। छोटू की मम्मी आ गई, ये कर ले एंजॉय कर रहे हैं ये लाइफ में। भाई कुत्ता पाल लो लाइफ में, बिकॉज दे लव यू अनकंडीशनली। अभी यार शाम का वेट करते हैं, बहुत इमोशनल बातें होगी यार, वो शाम को आने दो। देखो देखो यही बोल रहा था मैं, अभी जैसे मॉर्निंग होगी ना, देखा तो वो कैमरे में तो उतना अच्छे से पता नहीं चल रहा, बट देखो अभी आगे चलते वो स्पॉट में आ गया होगा, अगर आ गया होगा तो मैं दिखाता हूँ। तो वो ना पूरा गोल्डन गोल्डन सा लगता है। और पता है जब विंटर के टाइम आओगे ना तो ऊपर ना बर्फ पड़ी होती है, तो ऊपर बर्फ पड़ी होती है ना तो क्या होता है वो ना एकदम ग्लो करता है, तो एकदम ना गोल्डन गोल्डन करके रहता है। अभी तो देखो अभी पता नहीं सीन नहीं बन पाया आगे जाने का, लेकिन अभी नेक्स्ट में सोच रहे हैं हम जून जुलाई में एक पूरा लद्दाख का ही ट्रिप मारेंगे। तो उसमें मैं दिखाऊंगा वो जो केलोंग हम गए थे ना, तो केलोंग के सामने जो पहाड़ हैं उनके ऊपर बर्फ पड़ी होती है, तो वहाँ का जब व्यू होता है ना वो हो वो आप सोच भी नहीं सकते सर। शाम को मैंने अभी फ़ोन कर दिया है तो वो अभी अभी उठाया, उसने बोला कि भैया 10 मिनट लगो, मैं 10 मिनट लगेगा, मैं आ रहा हूँ। हम लोगों को कैफ़े नहीं दिखाया ना मैंने, आ जाओ जो तुम्हें कैफ़े दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है, आओ तुम्हें कैफ़े दिखाया तुम लोगों को। जब ऊपर है ये देखो, इसमें ना बीच बीच में कोट्स वोट्स भी लिख रखे हैं। बाकी ना मेरे को ये वाली पेंटिंग बहुत अच्छी लगी, थोड़ा क्रिएटिव अच्छा बनाया है। और जो होटल की प्राइस है ओनली 700 रुपीज़, तो मेरे को रूम का उतना चक्कर नहीं होता यार, रूम इज़ लाइक ठीक है ओके स्टेइंग के लिए। बाकी जो चीज़ें ना इट्स नाइस, और 700 रुपीज़ पर डे इज़ गुड, तो क्यों पैसा बर्बाद करना है यार। आप कौन से किसी के साथ आ रहे हो, ये देखो हर वॉल में ना वो पेंटिंग अच्छी कर रखी है। काफ़ी प्यारा कैफ़े है यार, और उसमें तो व्यू आता है ना वो तो इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल। हाँ जो बाहर बैठते हैं, श्याम आ ही जाएगा अपना। ओहो लोगों ने पार्टी कर रखी है रात में, वो तो पार्टी कर रहे थे। वैसे रात को भी मैं आया था यहाँ पे, तो ग्रुप वगैरह बैठा हुआ था वहाँ पे चेयर पे, तो ये देखो व्यू यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे पार्टी करते हैं रात को बैठ के, मतलब मेनली स्पॉट उसी के लिए बनाया हुआ है। हाँ बाकी जब यहाँ बैठते हो ना, बैठने के बाद जो आपको व्यू मिलता है, ये पूरा कैफ़े और ये आपका माउंटेन साइड का व्यू मिलता है। मैं लोकेशन डाल दूँगा यहाँ की, आप देख लेना अगर आपको मन करे आने का तो आ जाना। अभी तो फ़िलहाल शाम का वेट कर रहे हैं, अब देखो शाम कितनी देर पे आएगा, उसके बाद कॉफ़ी वॉफ़ी ऑर्डर करेंगे। बाकी ये कैफ़े खुला होता है, मतलब टॉप फ्लोर पे है तो खुला होता है, दरवाज़ा बंद नहीं होता। तो अगर आपको रात को 1 बजे 2 बजे ऐसे कभी बैठना हो और आराम से खाली नाइट का व्यू लेना हो और स्टार्स वगैरह देखना हो तो आराम से यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, बंद नहीं होता, आराम से चिल कर सकते हो रात को। और पार्टी वार्टी करनी है फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो आराम से चेयर वगैरह लगे हैं। दारू तो देख ही रहा हूँ ये मेरी नहीं है भाई, किसी और के। कल रात को ग्रुप आया था, उन्होंने पार्टी कर रखी है, तो आप अंदर से बैठ के चिल कर सकते हो, बाहर पार्टी कर सकते हो, मतलब नाइस प्लेस। आ गया बने इतने दिन के बाद, कितने 1.5 घंटे बाद आए हो तुम। कितना टाइम हो रहा है अभी? भाई कहाँ फ़ोन किया था तो 7 बजे किया था भाई, 1 घंटे लेट आ रहे हैं। चल ऊपर चलते हैं, जरा ये आराम से कॉफ़ी पियेंगे। चल चल ऊपर चल, आ जा। तो भाई ऊपर जा रहे हैं कॉफ़ी पीने, उसके बाद देखते क्या करना है। सोच तो रखा है बट फिर भी चलो। मिनट हमारी हो चुकी, चेकआउट कर दिया। यार मेरे को पता है कैसा लगा था कि 700 रुपीज़ का रूम है, और भाई 700 रुपीज़ का नहीं था, 500 रुपये का रूम था। कितने का रूम था? 500 रुपये। जिस रास्ते जा रहे थे उसी रास्ते जा रहे हैं, बिकॉज जिप लाइन वहीं है उसके आधे रास्ते पे। तो ये मत बोलना भाई सेम लोकेशन जा रहे हैं। भाई देखो सुनो मेरी बात, मनाली आओगे तो इसी रास्ते से जाओगे। अगर रोहतांग पास जाना है आपको, अटल टनल जाना है, लद्दाख का रास्ता जाना है, तो ये रास्ता यही है। जब हम पहले आते थे तो ये सारा जो लोकेशन है ना खाली होता था। ये अब यहाँ पे इतनी भीड़ लग गई है, इतने दुकानें खुल गए। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एकदम प्लेन सा रास्ता होता था, 2-4 दुकानें होती थी जिसमें वो देते ना गर्मियों वाले सूट। लेकिन पता नहीं भाई अब तो ज़्यादा एकदम बढ़ गया है, मेरे को तो ऐसा विश्वास नहीं हो रहा। मेरा पहले तो आया नहीं इस जगह पर, तो ये वाला हिसाब है। तो यहाँ पे जो भी करना है ना तो इसी रास्ते होता है। पिछले वाले रास्ते से तो आप दिल्ली से या चंडीगढ़ से उसी रास्ते से आते हो। रास्ते में होता है आपका राफ्टिंग। हाँ राफ्टिंग रूफ्टिंग होता है, राफ्टिंग होता है। राफ्टिंग करनी ही नहीं हमने। हाँ कुल्लू जाएंगे तो राफ्टिंग मिलेगी। हाँ राफ्टिंग रूटिंग वाला काम होता है यार। अभी हमारा देख रहे थे, फिर ये बोल रहा था कि पैराग्लाइडिंग करते हैं। फिर मैंने बोला यार देखो अभी तो 1 लाख सब्सक्राइबर करने बीच में मरवर गया तो क्या फ़ायदा। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बिकॉज मेरे को भी पसंद है क्या नाम है पैरासेलिंग। बट द थिंग इज़ कि मेरे को एक्चुअली जो एक्सपीरियंस करना है वो बेस जंपिंग का करना है। तो बेस जंपिंग जो होता है वो अपना दुबई में होता है, ठीक है, स्काई लाइन करके कुछ है। तो मेरे को वो वाला तो पक्का ट्राई करना है। देखो अगर सीन बना तो शायद जल्दी कर लेंगे, ठीक है, वरना हम उसके लिए तो नहीं जा रहे हैं। हम देखते हैं जिप लाइन के लिए जा रहे हैं, वो भी अगर मूड हुआ तो। क्योंकि तुम्हें पता है कि इस रास्ते जाके ना मैं ऐसे बोर होने लगता हूँ, क्योंकि इतनी बार आ गए ना तो मतलब ठीक है। बट देखो ये रास्ता तो वही है। तो हम जिप लाइन में पहुँचते हैं। जिप लाइन में पहुँचने के बाद आप लोगों से बातें की जाएंगी। चलो पहुंच तो गए। अब तू बार बार बोलेगा कि भाई लोकेशन पे आ जाते, तुम करते हो कुछ नहीं यार। मैं मेरा बन ही नहीं बनता यार ये सब बकवास करने का। हाँ अब मैं बेस्ट फ्रेंड के साथ आता था तो वो चिल्लाती रहती थी ये सब कि ये करना है। मैं को तो भाई मूड ही नहीं हो रहा है ये सब बकवास करने का। ये देखो भाई जिप लाइन का कुछ ये है हिसाब किताब, लोगों को देखते हैं यार क्या करना है भाई। ठीक है ये कलाकारी करके देखते हैं भाई क्या करना है। तू ये करियो, तू आराम से यहाँ पे छूट कर लो, बाकी देख लूँगा। पता नहीं भाई देखो चढ़ तो गए, अजीब सा नहीं लग रहा मैं या मेरे को मतलब टोपी टोपी निकाल के आराम से बंदा जाए क्या लाएगा। ये सेफ्टी के लिए ना कई बार बाल फंस जाते हैं। यही मैं कह रहा था, देखा नहीं निकले ना एक्सप्रेशन। भाई जिप लाइन करवा लो, बेस जंप करवा लो, तभी मैं बोर होता हूँ यार। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। देखो अब ऊपर से गया, ठीक है, अगर बंदा हैवी जाएगा जिप लाइन लेके तो उसको लगेगा हाँ भाई डर लग रहा है, नीचे गिर जाएंगे, सर्वर फट जाएगा। तो ठीक है वीडियो तो देख ही ली तुमने, ज़ीरो एक्सप्रेशन। हाँ बेस जंप वगैरह जाएँ तो शायद थोड़ा एक्साइटमेंट हो, बट ठीक कोई नहीं। बाकी इन्होंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं यार, 600 रुपीज़ रेट था इनका जिप लाइन का। तो मैं करना कर लो, बाकी तुम्हारी सजेशन है। वह आ गई हैं, देखो तो शाम को फ़ोन करके तुम लोग पूछ लेना। अब तुम लोग को ट्राई कर रहा तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अब हम वापस चल रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, उसके बाद देखेंगे आगे का क्या सीन करना है। चलो रोहतांग पास वाला रास्ता ये हो गया। अब क्या बंद नहीं, अभी होने वाला है, मतलब बंद ही हो जाएगा ये। हाँ मतलब ये रास्ते में तो भाई मेमोरीज बहुत ज़्यादा हैं। हम जब आते थे ना तो पता है यहाँ लाइन लग जाती, भीड़ लग जाती थी, है ना, गाड़ियों की लाइन लग जाती थी भाई। 15-20 मिनट आधे घंटे एक ही जगह हम खड़े होकर ना फंसे रहते थे। बड़े रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत सारी यादें जुड़ी है भाई इस रास्ते से। ऐसे घूम घूम के ऊपर जाते थे हम ये रोहतांग पास। यार रोहतांग पास नहीं जा पाएंगे अब अभी, टोकन नहीं है ना। नहीं टोकन अगर कटाए तो नहीं, तब तो जा सकते है ना। तो भाई ये हम ना इस लोकेशन पे आगे बैठने के लिए, बस पता है मैंने शाम को बोला कि यार जिप लाइन कर लो, रोहतांग पास घूमते हैं, सब जगह जाते घूमते हैं। लेकिन पता है क्या हिमाचल का मेन प्रोस्पेक्टिव है कि कहीं पे बैठ के यार थोड़ा सा ना एटलीस्ट इसको सोक करने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि आप भागते रहो, यहाँ जाना है वहाँ जाना है घूमना है। 2 मिनट के लिए ना कहीं पर साइड पर बैठ के ना ज़रा इन्जॉय करो कि हाँ भाई हिमाचल है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहीं पर बैठे हैं, हमने आराम से चिप्स विप्स के पैकेट लिए और अब व्यू देखो। तो कभी कभी यार थोड़ा ऐसे ही ना रोड साइड बैठ के थोड़ा सा चिल करा करो एंड एंजॉय बीइंग इन मनाली। यहाँ से निकल रहे हैं, ये देखो झरना, ये अपने पहाड़ हैं। तो हम जा रहे हैं वापस नीचे की तरफ, देखते हैं क्या करना है आगे।